ये क्या हो गया भाई, हम तो दुआ कर रहे थे कि इंग्लैंड आज हार जाए, और पहली दफा मेरे ख्याल है पाकिस्तानियों ने इंडिया के जीतने की दुआएं की होंगी। बिल्कुल इंडिया के लिए, मेरे ख्याल से हम लोग भी पूरा पाकिस्तान वहां पे भी जितने क्राउड थे लेकिन क्योंकि कामरान, इंडियन टीम की जो बैटिंग है वो इतनी केपेबल तो है कि इतना स्कोर तो वो कर लेते हैं, कोई इतना मुश्किल तो नहीं था, कहीं जानबूझ के तो नहीं हार गए पाकिस्तान को आउट करने के लिए। आपने 10 ओवर में 28 रन, बाबर साहब दैट इज नॉट पॉसिबल कि इंडियन की बैटिंग लाइन हो और पूरी इनिंग में 37 का हदफ हो और पूरी इनिंग में इतना छक्का नहीं लगे ना, पूरी इनिंग में छक्का नहीं लगे। रोहित शर्मा जो क्लासिक छक्के मारता है, विराट कोहली अच्छा खेलता है, एमएस धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट है, पांड्या मौजूद है, मतलब वो एक छक्का नहीं लगे यार। ये थोड़ी सी चीजें मुझे थोड़ा सा परेशान करती हैं। इतनी अच्छी भी बॉलिंग इंग्लैंड ने की थी शुरू में, हमने भी 10 ओवर मैच के देखे हैं, इतना भी विकेट बिहेव नहीं कर रहा था। आप देखें कि कहां से बॉल्स निकल रहे थे, क्या हो रहा था, ऐसी कोई सूरत हाल नहीं थी कि आप कहें कि ये स्कोर चेजेबल नहीं था। और बहुत मुश्किल थी, बहुत मुश्किल तब होती है जब न्यूजीलैंड कल जैसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे थे, तब नजर आ रहा था कि यार मुश्किल हैं, मिचेल स्टार्क उनको बहुत ज्यादा टफ टाइम दे रहा है। ऐसा टफ टाइम इंग्लैंड के किसी बॉलर ने नहीं दिया, मैं नहीं समझता। इदरीस भाई, आज के मैच को आप कैसे देखते हैं? कल जब हम जा रहे थे तब हमने ये तो कहा था कि आज पाकिस्तानी शायकीन जो क्रिकेट के हैं वो आज के मैच में इंडिया को सपोर्ट कर रहे होंगे और शायद ही ये कभी हुआ हो इससे पहले। तो आज इंडिया ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अब जानबूझ के आप समझते हैं या फिर ओवरऑल पिच की सूरत हाल आप देखते हैं कि वो ऐसी थी और इंग्लैंड ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया? दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। ये सूरत हाल ऐसी है कि इंडियन टीम जो है, जब इंग्लैंड टीम ने बैटिंग कर ली थी, उसके बाद जब इंडियन टीम बैटिंग करने के लिए आई, अच्छे प्लेयर्स हैं उनके, वो रोहित शर्मा जो अपनी सेंचुरी में कभी भी सिक्सर्स का इस्तेमाल जो है वो नहीं छोड़ते, लेकिन आज उन्होंने 100 रन तो किए लेकिन उसमें कोई भी सिक्सर शामिल नहीं था। अच्छा, उसके अलावा जब 10 ओवर्स में इंडिया ने 28 रन बनाए, एक विकेट गिरी, डेट वाज द गिवन आउट पॉइंट कि आखिरी 10 ओवर में रन रेट जो है वो 12 प्लस का होगा। वहां पे मैनेज नहीं किया, डेट इज द फिशी थिंग। और चाहे उसके बाद कोहली अच्छी इनिंग खेल जाए, एम एस धोनी क्रीज पे हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने जब 10 ओवर्स में 12 प्लस का रन रेट रखना हो, चार विकेट्स आपके गिर चुके हों और दूसरी तरफ इंग्लैंड के बॉलर्स हों और प्लंकेट जो अच्छा बॉलर है, अच्छी इंक्लूजन है, वो मौजूद हो, तो ऐसी सूरत हाल में कुछ ना कुछ तो कहा जाता है। और जो सोशल मीडिया पर इस वक्त वॉर चल रही है, लगातार जो ट्रोलिंग हो रही है वो बड़ी खतरनाक है, उसमें तो इंडिया को बहुत ज़्यादा नॉमिनेट किया जा रहा है कि इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ भी यही कुछ करने जा रहा था, यहाँ भी ऐसा ही कुछ कर रहा है, तो ये कुछ चक्कर वक्कर है। तो क्या आपने ऐसा सोचा था कि ऐसा वक्त भी आएगा कि हमें इंडिया के जीतने के लिए दुआ करनी पड़ेगी? कभी भी ऐसा वक्त सोचा नहीं था कि ऐसा भी वक्त आएगा, लेकिन वो वक्त आ गया। Why not everything for Pakistan? I mean, वो कहते हैं ना, जरूरत के वक्त गधे को भी बाप बनाना पड़े तो बना ले, तो अगर अपने मुल्क का इंटरेस्ट है तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं कि इंडिया जीते, एज लॉन्ग एज पाकिस्तान कैन गो अप वी हैव नो इशू।